नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। मेरे भाई, सभी ने आपको बताया यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी कट ऑफ के बारे में। हम लेट आए हैं लेकिन बहुत सही समय पर आए हैं। क्यों? क्योंकि जो परीक्षा दी, एग्ज़ाम की हुई है आपकी यूपी पुलिस की, उसका परिणाम कुछ ही दिनों में घोषित होने वाला है। तो मेरे भाई, जब रिजल्ट घोषित होगा तो आपको फिजिकल के लिए भी बुलाया जाएगा। अब फिजिकल के लिए भी बच्चों के अंदर बहुत सारी दुविधाएं हैं कि किसको फिजिकल के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, रनिंग शुरू कर देनी चाहिए, या बाकी जो मेहनत है वो शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरे तो इतने क्वेश्चन है, मैं करूँ या ना करूँ? मेरे तो भाई इतने हैं, मैं करूँ या ना करूँ? किसी ने आज कट ऑफ बताई 250। जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ था तब तक सभी लोग बोल रहे थे 250 जिसके बनेंगे उसका होगा, 240 जिसके बनेंगे उसका होगा। फिर एग्ज़ाम हुआ, पेपर देखा, पेपर देखने के बाद बोलने लग गए 208 से लेकर के 208 पे हो जाएगा, 210 पे हो जाएगा, 215 पे हो जाएगा, 220 पे हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के अंदर यही डर बैठ गया कि मेरे तो भाई 210, 208, 207 बन ही नहीं रहे हैं, तो क्या मैं पढ़ाई करूँ और अगले एग्ज़ाम्स की, या अपने फिजिकल की तैयारियां करूं? बच्चों के अंदर बहुत ही दुविधा पैदा कर दी लोगों ने। इतनी हाई कट ऑफ बता दी कि जिसका कोई जवाब नहीं है। जो बच्चे फिजिकल कर सकते हैं, यानी कि जिनके चांसेस हैं अभी कि वो एग्ज़ाम पास करेंगे, उनका मॉरल डाउन कर दिया। बच्चे हताश हो गए, किसी ने तैयारी छोड़ दी, किसी ने फैक्ट्री लगा ली, किसी ने खेती शुरू कर दी, कुछ बच्चों ने दम रखा अपने अंदर, दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दी। मेरे भाई, मैं आपको बताऊंगा, जो कट ऑफ बताऊंगा, पहले भी आपको कई एग्ज़ाम्स की कट ऑफ बताई हैं, दो क्वेश्चन ऊपर होते हैं या दो क्वेश्चन नीचे होंगे। मैं आपको जो कट ऑफ बताने वाला हूँ उसमें आपको प्लस माइनस 2 या 3 का अंतर देखने को मिलेगा। मेरे भाई, अगर बात करें शिफ्ट वाइज अगर मैं बात करूं कि कौन से शिफ्ट में कितने क्वेश्चन का, जिस प्रकार से मैंने विश्लेषण किया है उस हिसाब से आपको बता रहा हूं कि जो 23 अगस्त का पेपर था, मतलब जो पहले दिन का पेपर था, वो मेरे भाई, और अगर पेपर्स को देखें, अगर मैं बात करूं 30 अगस्त के पेपर की, तो इसकी अपेक्षा 23 अगस्त का थोड़ा इजी था। तो मेरे भाई, वहाँ पर जिनके 98-99 क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, तो मेरे भाई उनको बैठना नहीं है घर पर, उनको क्या कर देनी है, अपनी रनिंग शुरू कर देनी है। इसका मतलब है आप रनिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे रनिंग की, तभी आप वहां पर रेस को क्वालिफाई कर पाएंगे। मेरे भाई, अगर आपके यहां पर 98 की क्यों 97 भी है, तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है फिजिकल की। मेरे भाई, अगर 24 अगस्त की बात करें हम, 24 अगस्त का पेपर यहां पर थोड़ा टफ देखने को मिला है, क्योंकि यहां पर 105 क्वेश्चन इसकी अपेक्षा थोड़ा था, यहाँ पर 105, 103 बन रहे हैं 24 अगस्त के अंदर। तो आप 100 तक, अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर 100 क्वेश्चंस भी आपके बन रहे हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी है। यहाँ पर 95, अगर मैं एक एवरेज की बात करूँ, 25 अगस्त के अंदर अगर आपके 95 क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, तो आपको रनिंग शुरू कर देनी है। 30 अगस्त की बात करूं तो मेरे भाई, जिनके यहां पर 90 क्वेश्चंस, इसका मतलब सबसे इजीएस्ट यहां पर ये रहा है, क्योंकि यहां पर इतने तक क्वेश्चन बच्चों ने सॉल्व किए हैं, 105, 100, मतलब 100 से ऊपर क्वेश्चन बच्चों के सही हुए हैं 24 अगस्त की परीक्षा में। लेकिन 30 अगस्त की परीक्षा भले ही आपकी बाद में हुई है, 3 एग्जाम्स 3 दिन के बाद हुई है, उन्होंने इनका पैटर्न भी देखा है, और उन्होंने क्या किया है, इनकी पैटर्न के आधार पर ही लास्ट के 4-5-6 दिन वही फोकस करके पढ़ाई करी थी जो इन एग्ज़ाम्स का पैटर्न बन रहा था।
पैटर्न तो वही रहा, लेकिन थोड़ा सा टफ कर दिया गया। 30 अगस्त की जो शिफ्ट का पेपर था, और यहाँ पर बच्चे 90, 91, 92 इतना ही स्कोर कर पाई। तो मेरे भाई, जिन्होंने 30 अगस्त को परीक्षा दी है, वो जिनके 90 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, वो अपनी तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि जितना समय जा रहा है वह बहुत हो चुका है। आने वाले कुछ ही समय में, हो सकता है दिवाली से पहले, नहीं तो दिवाली के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का। अगर 21 अगस्त की बात करूं मेरे भाई, 21 अगस्त का पेपर भी ठीक ही था। यहाँ पर अगर आपके 95 मिनिमम 95 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपनी रनिंग शुरू कर दें। अगर मान के चलिए एक दो क्वेश्चन से आप रह भी जाते हैं, तो जो आप रनिंग कर रहे हैं वो बाकी एग्जाम्स के लिए रेलवे आ रहा है आपका, उसमें काम आएगी। नहीं तो आपकी बॉडी तो फिट रहेगी मेरे भाई। अगर बाई चांस आपका नंबर आ गया और आपने रनिंग स्टार्ट नहीं की है, सेकंड स्टेज पर जाकर आप फेल हो गए, तो आपको कितना बुरा लगेगा, आपके माँ बाप को कितना बुरा लगेगा मेरे भाई। अगर 95 क्वेश्चन आप 31 अगस्त की शिफ्ट में लेकर आए हैं, तो यहाँ पर आपको तैयारियाँ शुरू कर देनी है मेरे भाई। नॉर्मलाइजेशन की बात करें हम, कि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, वो किसको मिलने वाला है, जिन बच्चों ने 30 अगस्त को परीक्षा दी थी। और सबसे कम फ़ायदा देखने को किसे मिलेगा, जिन्होंने 24 अगस्त को अपनी परीक्षा दी थी। तो मेरे भाई यहाँ पर फायदा तो सभी को मिलेगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फायदा मिलने के जो चांस हैं वो 30 अगस्त वालों को, और सबसे कम जो चांसेस हैं वो 24 अगस्त वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने के चांसेस दिख रहे हैं मेरे भाई। कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूँ, कैटेगरी वाइज तो जो अनरिजर्व्ड हैं, जिनको कोई आरक्षण नहीं है, वो विद्यार्थी जिनके 98 मेल में 97 क्वेश्चन के आसपास हैं, वो अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें। EWS वाले, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले, जो सामान्य वर्ग के छात्र होते हैं, जिन्होंने जिनको अभी भी हाल फिलहाल 1-2 साल से 10% रिजर्वेशन का प्रावधान रखा है, वो लोग 93 यानी कि 93, 94, 92 अगर क्वेश्चन बन रहे हैं मेल के अंदर, अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट करते हैं। OBC वाले 96, अगर आपके क्वेश्चन 95 क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आप यहाँ पर रनिंग स्टार्ट कर दें। यहाँ पर SC वाले 88 तक, मेरे भाई यहाँ पर मैंने 89 लिखा है, लेकिन अगर आपके 88 भी बन रहे हैं तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी है। ST वाले भी यहाँ पर अगर 84 के आसपास आपका स्कोर है, तो आप यहाँ पर अपनी रनिंग स्टार्ट करते हैं। यहीं अगर मैं बात करूँ महिलाओं की, तो UR के अंदर 90 क्वेश्चंस पर महिला अपना फिजिकल की तैयारी शुरू करते हैं। EWS वाली 84, OVC यहाँ पर थोड़ी ऊपर दिखाई दे रही है, 86-85 पर आप यहाँ पर आप पास, जो कट ऑफ या रिजल्ट आने वाला है वहाँ पर आपको यहाँ पर सफलता मिल सकती है, क्योंकि पेपर का जो एनालिसिस है उस हिसाब से 85 भी क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आप यहाँ पर अपनी अगली परीक्षा की तैयारियाँ शुरू करते हैं। SC के लिए 79 और ST के लिए यहाँ पर 77। मेरे भाई, मैं ये पूर्ण रूप से दावा नहीं कर रहा हूँ कि जो मैंने बताया है वही कट ऑफ रहेगी, लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, कट ऑफ लगेगी, उस दिन आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, इससे एक दो क्वेश्चन ऊपर या एक दो क्वेश्चन नीचे आपको देखने को मिलेगा। इसमें ज़्यादा कि मैं बोलूँ +10 +-10 नहीं होगा, यहाँ पर +-2 या 3 देखने को मिलेगा मेरे भाई। आपके अगर इस स्कोर के अंतर्गत आप हैं, अगर एक दो क्वेश्चन में कम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आंसर की भी जो आई है आपकी, उसमें भी कभी कभार ऐसा होता है कि बोर्ड फैसले ले लेता है, किसी किसी क्वेश्चंस को हटा देता है, तो उसके नंबर्स आपको मिल जाते हैं। तो अगर इसमें से आपका एक दो नंबर नीचे भी हो रहा है, तो आप अपने फिजिकल की तैयारियां करते हैं मेरे भाई, क्योंकि आने वाले
समय में बहुत जल्द आपको यूपी पुलिस का रिजल्ट देखने को मिलेगा मेरे भाई। बाकी की जो जानकारियां जैसे ही रिजल्ट आएगा, फिजिकल या जो भी प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बारे में हम आपको चैनल के माध्यम से बताएंगे कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो मेरे भाई चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी प्रश्न आपका है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए कुछ नई वैकेंसी या जो परीक्षा तिथि घोषित हुई है रेलवे की, उनके बारे में एक पॉइंट है जो इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर रेलवे वालों ने बताया है कुछ, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो मेरे भाई मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।